Hey everyone, welcome. Today we will do this theorem of cyclic groups. So, the theorem is that if A is a generator of a cyclic group, then A inverse is also a generator of that group. So, basically, first of all, you should know what is a cyclic group. If you don't, make sure that you watch the video. Okay. Now, let's come to the theorem. Because oh, G is a cyclic group, right? G is a cyclic group. एंड ए कोई एलिमेंट है इस साइक्लिक ग्रुप में बट ये ए जेनरेटर भी है ठीक है ए एलिमेंट भी है और जेनरेटर भी है right? राइट अब अगर ए एलिमेंट है तो हमें बता दट उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए बिकॉज ऑफ एक्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स तो ए इन्वर्स भी होगा नाउ द लॉजिक इज कि एनवर्स को भी हमने प्रूव करना है कि ये भी जेनरेटर है एनवर्स भी उसका जेनरेटर हमने बताना है अब उसके लिए देखो जो जी ग्रुप है उसमें एलिमेंट किस फॉर्म में होंगे ए एम ए एन ए के जनरेटर बताना है कि ए इनवर्स पे जनरेटर है देरफोर इस फॉर्म में भी एलिमेंट एग्जिस्ट करने चाहिए राइट ए इनवर्स एन है ना ऐसे भी एलिमेंट एग्जिस्ट करने चाहिए तो हमने यही चीज प्रूव करनी है कि इस फॉर्म में भी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं ठीक है ये है जेनरेटर और एक पार होती है राइट जैसे ए जेनरेटर और एक पार है सिमिलरली यहां पर भी ओके सो लेट्स कम टू द प्रूविंग पार्ट प्रूफ लेट जी इज इक्वल टू ए बी साइक्लिक ग्रुप जेनरेटेड बाय एजिक ग्रुप इक्वल टू सॉरी एक्स बिलोंग कर रहा है जी में यानी कि हमने एक एलिमेंट लिया और हमने बोला कि वो बिलोंग कर रहा है ग्रुप में फॉर एग्जाम्पल वो एलिमेंट ये ले लिया हमने ये इसको एक्स मान लिया ठीक है बिकॉज जो भी एलिमेंट ग्रुप में है वो तो इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे ना ए होगा और पार कुछ होगी तो हमने ऐसे बोला अगर वो बिलोंग कर रहा है तो वो एक्स कैसा होगा ए एम एम समथिंग फॉर सम इंटीजर अब जो एम है ये जो भी पार्स होती हैं ये हमें पता है देट देर इंटीजर्स वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन नेगेटिव भी हो सकती हैं राइट ये इंटीजर होगा नो एक्स को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना ए इनवर्स माइनस एम राइट बिकॉज क्या होता है ए एम एन एक्सपोनेंस में हमने पढ़ा है ना क्या हो जाता है ए एम एन राइट तो यहाँ पे ए माइनस वन एंड देन दिस क्या हो जाएगा ए माइनस एंड देन देखो बिकॉज हमारा अल्टीमेट गोल यही है कि हमने इस फॉर्म में जनरेटर को रिप्रेजेंट करना है सी ऐसा बट यहाँ पे पॉजिटिव एम है अब इसको पॉजिटिव एम कैसे बनाएंगे देखो आई कैन राइट कि ये जो माइनस एम है ना जो एन है कोई एन कंसिडर कर लेते हैं कि जो एन है वो माइनस एम के इक्वल है ठीक है जैसे अगर माइनस एम की वैल्यू एम माइनस टू है तो हमने बोला एन जो है वो माइनस टू हो गया ठीक है कुछ ऐसा विट डेट समथिंग लाइक दिस तो एन को हमने बोला कि एन जो है वो माइनस एम के इक्वल है ठीक है और माइनस एम तो हमें पता है कि बिलोंग कर रहे है। को, okay. अब इसको मैं कैसे लिख सकती पार माइनस एम की फॉर्म भी होगी और ए रेस्ट दाइनस वन एंड पार एन भी होगी ऐसी हमने रिप्रेजेंट कर दिया कि एक्स में एक एलिमेंट ऐसा भी एग्जिस्ट कर रहा है और एक इनवर्स तो एग्जिस्ट कर ही रहा है बट उसमें एक पार भी हमने एग्जिस्ट बता दी कि वो रेस्ट द पार एन है ठीक है तो एन तो कोई भी एलिमेंट हो सकता है जैसे माइनस एम भी कोई भी एक इंटीजर है तो सारे इंटीजर्स के लिए ऐसा ही होगा राइट ठीक है जैसे माइनस वन रेस्ट द पार एन है ऐसे ए रेस्ट द पार माइनस वन के भी होगा ठीक है ये जो हमने एन लिया है या फिर एम लिया है ये कोई भी वैल्यू हो सकती है ऑल राइट right. अब क्या करेंगे दस वी हैव प्रूवड इट राइट कि कोई भी जो एलिमेंट एक्स है वो इस फॉर्म में भी होगा एक्स कोई भी एलिमेंट होगा जो इस फॉर्म में भी होगा कि ए इनवर्स ए रेस्ट टू द पार माइनस वन ए इनवर्स रेस्ट टू द पार एन और एन कोई भी एलिमेंट है तो एन के एलिमेंट्स कुछ भी हो सकता है ऐसे बहुत सारे एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे ठीक है अब दस

जो एन है ये कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है ये एन या फिर ये माइनस एम कोई भी हर वैल्यू के लिए हम बता रहे हैं फॉर सम इंटीजर की किसी भी वैल्यू के लिए हमने बताई है ठीक है सो ऐसे ही सारे और भी बहुत सारे एग्जिस्ट करेंगे ठीक है एन कुड बी एनी थिंग ए इनवर्स ठीक है जैसे यहाँ पे हमने एन बोला तो एन कुड बी टू ए टू द पावर माइनस वन थ्री ठीक है ऐसे हमने बता दिया बट एक जनरल आइडिया बताए कि ए रेज टू दार एंड की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है कुछ भी ठीक है एंड दैट्स हाउ वी प्रूव इट आई होप इट्स क्लियर टू यू एंड ऑल्सो टेल मी इफ यू वॉन्ट द नोट्स ऑफ दिस नोट्स और लाइक द पी डी एफ ऑफ द वीडियो विच आई एम मेकिंग सो आई स्टार्ट शेयरिंग द नोट्स एज वेल यू कैन टेल मी इन द कॉमेंट्स थैंक यू